हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। जी हां, मैंने आप सभी को बताया है कि अगर ऑनलाइन आप जो है अपना काम पोषण ट्रैकर ऐप में या पोषण अभियान की वेबसाइट में जैसे ही करते हैं वैसे विभाग को पता चल जाता है कि केंद्र की सेविका ने काम कर दिया है, केंद्र पर काम हो रहा है। लेकिन अभी भी बिहार के सैकड़ों केंद्र ऐसे हैं जहां पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। विभाग इन केंद्रों को कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बंद कर सकता है। जी हां, इसके रिलेटेड बिहार की राजधानी पटना से बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों के संबंध में एक लिस्ट के बारे में सूचना प्राप्त हो रही है कि कुछ जिलों में सैकड़ों केंद्र जो है वो किसी प्रकार की एक्टिविटी या कोई भी काम ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं, यानी केंद्र को बंद माना जा सकता है। इसके संबंध में डिटेल में खबर है, चलिए आगे हम आपको दिखा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार की राजधानी पटना से समाज कल्याण विभाग एचडी विभाग से आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची के संबंध में एक सूचना दी गई है। लिखा गया, राज्य के 648 आंगनबाड़ी केंद्रों में कोई गतिविधि आयोजित नहीं की जा रही है। ऑनलाइन काम करने में अगर आप पीछे हो जाएंगे तो आपके केंद्र पर गंभीर शिकायत आ जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन कामों की मॉनिटरिंग जो है एक क्लिक में तुरंत हो जाती है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी ऑनलाइन काम करने में आप पीछे नहीं रहें। अब यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा जूम करता हूँ। लिखा गया है कि छोटे बच्चों की सही से देखभाल हो इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में गतिविधियाँ कराई जाती हैं, मगर राज्य में अभी कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर गतिविधियाँ नहीं होती हैं। ICTS निदेशालय ने ऐसे ही 648 आंगनबाड़ी केंद्रों को चिन्हित कर इनके साथ जिलावार सूची भी जारी की है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों को गतिविधियाँ करवाने के निर्देश दिए गए हैं। सीतामढ़ी में कुल 3490 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, लेकिन उनमें से 171 आंगनबाड़ी केंद्रों में कोई गतिविधि नहीं हो रही है। सारण जिले में 115 आंगनबाड़ी केंद्र सक्रिय नहीं हैं। इन जिलों के आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाओं को गतिविधि कराने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि राज्य भर में 1,14,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। सब राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र की ऑनलाइन निगरानी की जाती है। जी हां, आपने आज जो है पोषण ट्रैकर ऐप में केंद्र समय से खोला या नहीं खोला, ACM बनाया नहीं बनाया, बच्चों का अटेंडेंस भरा नहीं भरा, समय से GMD किया नहीं की, किस कैटेगरी में कौन लाभार्थी हैं और कब आपने THR दिया, इसकी सारी सूचना, मैसेज और डिटेल जो है विभाग के पास एक क्लिक में आ जाता है। तो इसमें आपको काम करने में पीछे नहीं रहना है। पोषण अभियान की एंट्री भी आपको सुबह में ही 10-11 बजे तक समय से कर देना है। उम्मीद करूँगा चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फाइनली इस छोटे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।